हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भी देखे 47 पे। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 16 नवंबर थर्ड शिफ्ट के एग्जाम को एनालिसिस करेंगे और इसमें दोस्तों मैंने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को भी शामिल किया हुआ है। दोस्तों आज मेरे फ्रेंड का एग्जाम जो था वो 16 नवंबर थर्ड शिफ्ट को था उसका, तो उसने जो प्रश्न मुझे बताया हुआ है, दो चार प्रश्न उसे याद थे जो वो मुझे बताया हुआ है, वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्त चलते हैं हम सीधे अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में सोमालिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन रुबेल। कौन है वर्तमान समय में सोमालिया के प्रधानमंत्री? मोहम्मद हुसैन रुबेल। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि जाति शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन में जो है कुजाति नहीं दिया हुआ था, तो ऑप्शन में इसका दिया था बिजाति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति शब्द का विलोम बिजाति है। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि पंकज का समानार्थी शब्द क्या है? तो दोस्तों इसमें पंकज का समानार्थी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे हम देख लेते हैं पंकज का कौन कौन सा समानार्थी शब्द है। तो नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद, सतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर और पुंडरीक जो है वह इतने सारे कमल के समानार्थी शब्द है। तो इसमें से ऑप्शन में से एक ही नहीं, एक भी नहीं दिया होगा, तो उसमें ऑप्शन से इसको करना था। अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि सुपर्ण रेखा को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों ये मैंने सही से नहीं लिख पाया हूँ इसको मैं, तो यही पूछा था कि देखो सुपर्ण रेखा का शुद्ध रूप क्या है, तो इसको ऑप्शन से भी छाटना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीजनिंग का एक प्रश्न आया हुआ था कि 16 संबंधे 120 संबंधे 18 संबंधे वाट के संबंधे 22 संबंधे 231, यानी दोस्तों आपको बताना था कि इस वाट की जगह क्या आएगा। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर पता है इस रीजनिंग वाले प्रश्न का, तो आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं और लॉजिक भी इसका बता दीजिए कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम को 16 नवंबर के। तो हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न था दोस्तों कि समास का विलोम शब्द क्या है? तो समास का विलोम जो शब्द है वह व्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुहम्मद मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो परास्त होना या बुरी तरह से हार जाना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू, यानी कि इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मो महोत्सव जो मनाया जाता है वो गोवा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों कि पावर प्ले के समय कितने खिलाड़ी बाहर होते हैं? तो दोस्तों क्रिकेट में जो पावर प्ले का समय होता है उसमें 2 खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, समझौता एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस जो दोस्तों वो चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मनसुख मांडविया है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो अजंता की गुफा का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, ईसीजी का संबंध किससे है? दोस्तों ईसीजी का संबंध जो है वो हमारा हृदय से है। दोस्तों एक तो होता है ईईजी जो होता है वो हमारा मस्तिष्क से होता है, और ईसीजी जो होता है हमारा वो हृदय से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो वो अमेजन है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की जो नई राजधानी बनी दोस्तों वो बने श्री जयवर्धन कोट्टेपुरम। अगला प्रश्न है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका दोस्तों होता है, दोस्तों HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला प्रश्न है, माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं सभी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन वाले घंटे को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।